आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आप कैसे आएंगे और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ कहाँ पर है, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दरगाह शरीफ माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह मदर ऑफ हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल आपका हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊँगा। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आप कैसे आएँगे और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ कहाँ पर है, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अभी हम लोग बस से यहाँ पर उतरे हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग बस से यहाँ पर उतरे हैं और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी हम इंशाल्लाह रोड के उस तरफ जाएंगे। ये जो आप रोड देख रहे हैं, अभी हम रोड के उस तरफ जाएंगे और ये आप मंज़र देख सकते हैं, सुभानअल्लाह। अभी हमें रोड के उस तरफ जाना है। दोस्तों, अभी हम रोड के उस तरफ जाने के लिए यहाँ से जाएंगे। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी से हम अभी रोड के उस तरफ जाएंगे। ये अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये अभी हम ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ से रोड का मंज़र देख सकते हैं। अभी हमें इस तरफ जाना है। अभी हम यहाँ से उतरेंगे। ये हम आ गए हैं रोड के इस तरफ। और अभी हम इस तरफ जाएंगे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से आपको बड़ी आसानी से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दरगाह शरीफ के लिए गाड़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और दोस्तों, ये जो जगह है, ये जगह अदचिनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के दरगाह शरीफ के करीब में और आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दरगाह हज़रत माई साहिब। और अभी हम इस तरफ जाएंगे, ये आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये रास्ता रोड के बिल्कुल ही करीब में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी हम दरगाह शरीफ में आ गए हैं। और इस तरफ वज़ू खाना है, ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं, ये वज़ू खाना है। और यहाँ पर
लोगों ने फूल की दुकान लगा के रखी है ताकि जो भी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आए उन्हें फूल, चादर, शिरनी, अगरबत्ती बड़ी आसानी से मिल जाए, इसीलिए लोगों ने यहाँ पे दुकान वगैरह लगा के रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर ज़ायरीन अगरबत्ती पेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं ज़ायरीन यहाँ पर अगरबत्ती पेश करते हैं। और ये आस्थाना मुबारक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दरगाह शरीफ माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह मदर ऑफ हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपका मज़ार मुबारक है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं। ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का मज़ार मुबारक है। और अभी हम आस्थाना शरीफ में खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफ़ी ख़ूबसूरत मंज़र है दोस्तों आस्थाना शरीफ का, ये आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये मस्जिद है आस्थाने मुबारक के बिल्कुल ही करीब में, ये मस्जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद आस्थाने मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ज़ियारत कर सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा के मज़ार मुबारक की। हम अभी इस वक्त आस्थाने मुबारक के बिल्कुल ही करीब में खड़े हैं। इस तरफ का भी आप मंज़र देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पर पानी पीने का इंतज़ाम है। दोस्तों अभी हम इस तरफ जाएंगे और इस तरफ का क्या मंज़र है इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं अभी हम इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पर ये वज़ू खाना है, ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं। और आप इस तरफ का मंज़र देख सकते हैं। चलिए अभी हम इस तरफ चलते हैं।
ये दरगाह शरीफ का गेट है। अभी हम ज़ियारत के लिए इसी गेट से दरगाह शरीफ में आए हैं। और इस तरह वज़ू खाना है, ये आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काफ़ी ख़ूबसूरत मंज़र है दोस्तों दरगाह शरीफ का। दोस्तों हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम हज़रत सैयदा बीबी ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह है, और आपकी दरगाह शरीफ को ज़्यादातर लोग माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के नाम से जानते हैं। और आपकी दरगाह शरीफ दिल्ली अदचिनी में है, और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत करा दिया है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा की दरगाह शरीफ की। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।